हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और न्यू वर्ड्स की, जो कि हम क्लास 35 में आज शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं नए वर्ड्स, और आई होप आप इन वर्ड्स को यूज़ भी करेंगे, ना कि सिर्फ समझेंगे, इनको यूज़ भी करेंगे, क्योंकि बिना अप्लाई करने के तो फिर आप सीख ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्काउल। स्काउल का मतलब होता है गुस्से से देखना या तेवर दिखाना। ठीक है, तो राजीव शोड हिज एंग्री स्काउल एट सीमा। राजीव ने अपना गुस्सा या अपने तेवर जो है, गुस्से वाले तेवर जो हैं, वो सीमा पर दिखाए। सरपास। सरपास का मतलब होता है कोई भी चीज़ दूसरों से बेहतर करना। ठीक है, तो अगर हम इसे सेंटेंस में देखें तो क्या होगा? अटेंडेंस इज एक्सपेक्टेड टू सरपास लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड। तो अटेंडेंस जो है वो पिछले साल के रिकॉर्ड से बेहतर होने वाली है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गाइज रिसीड। रिसीड का मतलब होता है दूर जाना, किसी भी चीज़ से अलग होना या उससे दूर जाना। द क्लाइंट वॉज अनहैप्पी वेन ही लर्न द कंपनी वॉज गोइंग टू रिसीव द प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट। जो क्लाइंट था वो दुखी हो गया जब उसे ये पता लगा कि कंपनी जो है उसकी प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट जो है वो दूर कर दिया, यानी कि शिफ्ट कर दिया, आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट वर्ड इज गाइज लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है जिसे हम पढ़ पाएँ, पढ़ने योग्य, है ना, जो रीडेबल हो। फर्स्ट लाइन वॉज रिटन इन स्मॉल प्रिंट बट लेजिबल। जो पहली लाइन लिखी थी, प्रिंट हुई थी, वो बहुत ही छोटे छोटे प्रिंट्स में थी, लेकिन उसे पढ़ा जा सकता था, यानी कि वो पढ़ने योग्य थी। इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है टर्स। टर्स का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षिप्त, यानी कि समराइज कर देना किसी चीज़ को, छोटे शब्दों में बता देना, है ना। आई कुड टेल बाय हर टर्स रिस्पॉन्स माली वॉज एंग्री। तो मैं जो हूँ उसके छोटे से रिस्पॉन्स से ही बता सकता हूँ कि मॉली जो है वो गुस्से में थी। आई होप आपको आज के वर्ड्स पसंद आए और आप इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर पाएंगे। आप सीख रहे हैं और आप आगे भी लोगों को सिखाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन। थैंक यू।